नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पेपर हुआ है। ये 2020 का पेपर है, 17/11/2020 को ये पेपर हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे अभी पेपर होने भी वाले हैं, तो खासकर जो यूपीपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीटली अपनी जारी रखें। पहला क्वेश्चन है इसमें, ऐसा कौन सा लॉ है मैकेनिकल सिस्टम में जो कि किरचॉफ्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई होता है, उसके जैसा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है, और पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, डी लैम्बर्ट्स लॉ प्रिंसिपल, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो लैम्बर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये एक तरीके से लॉ ऑफ मोशन है, और ये नॉर्मली मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो रहती है उनको ये प्रिंसिपल मालूम होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड द काइनेटिक रिएक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो, या इसको हम सिंपल बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए, या एफ माइनस एम ए इक्वल टू जीरो। तो एक तरीके से ये किरचॉफ्स लॉ के जैसा ही है, तो इसलिए इसे मैकेनिकल सिस्टम में यदि देखा जाए तो ये मैकेनिकल सिस्टम में किरचॉफ्स लॉ के जैसा ही दिखाई पड़ता है। किसी बॉडी पर जो फोर्स का समेशन होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो विथ यूजुअल नोटेशन यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर वोल्टेज की आपको इक्वेशन दी हुई है, वोल्टेज वी दिया हुआ है, टी यहाँ पर इंसुलेशन की थिकनेस है, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लॉ है जो इस रिलेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पहला प्रिंसिपल हम यदि देखें तो एम्पियर्स लॉ है, दूसरा कूलॉम्स लॉ है, तीसरा वोल्ट लॉ है, और चौथा जो है वो है गॉस लॉ। तो पहले यदि हम एम्पियर लॉ की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, तो एम्पियर्स लॉ हमारे क्या रिलेशन बताता है? तो ये रिलेशन बताता है यदि आपकी कोई कंडक्टर है उसमें से करंट यदि आई फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इस करंट के साथ होता है। जितना करंट होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो इसे हम एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। और हमारा जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ वोल्टेज वी है और टी थिकनेस है। ये यहाँ पे जो इंडिकेट करता है ये बोट्स लॉ को इंडिकेट करता है। बोट्स लॉ में क्या होता है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, उसको इंडिकेट करता है ये, कितना वोल्टेज हम अप्लाई करें कि और वहां पर थिकनेस क्या होना चाहिए, उसके बीच में जो रिलेशन बताता है वो हमारा बोट लॉ बताता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका, वोल्टेज भी और थिकनेस के लिए, वो होगा बोट्स लॉ। और गॉस लॉ को यदि हम देखें तो गॉस लॉ हमारा एक तरीके से एम्पियर्स लॉ के जैसा ही होता है। ये हमारा चार्ज और फ्लक्स में रिलेशन बताता है कि जितना हमारा उस बॉडी के अंदर चार्ज होगा, मान लीजिए क्यू यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स इसमें जनरेट होगा उसके बीच में ये हमारा रिलेशन यहाँ पर बताता है। तो एक तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमारा गॉस लॉ होता है। इनके यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो एम्पियर्स लॉ के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच, तो इसका लाइन इंटीग्रल इक्वल टू करंट इनक्लोज। ये हमारा एम्पियर्स लॉ के है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए। और इसको हम इस फॉर्म में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी जब हम इसको लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये कई बार एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एम्पियर्स लॉ का यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कौन सी है, तो ये इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर एक और हमारे जो ऑप्शन था वो था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो चार्ज हमारे जैसे क्यू वन एक चार्ज है और एक क्यू टू चार्ज है, ये किसी डिस्टेंस मान लीजिए आर पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आर डिस्टेंस पर यदि ये रखे हुए हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होगा उस फोर्स को इंडिकेट करते हैं एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपने कई बार देखा होगा, तो ये जो रिलेशन होता है कूलॉम्स लॉ का होता है। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन दी हुई थी
वो हमारी वोल्टेज और उस थिकनेस के बारे में भी है। तो ये हमारा मूर्स लॉ जो रहता है वो इनके बीच में रिलेशन बताता है। यहाँ जो एक कॉन्स्टेंट आपको दिखाई पड़ रहा है ये उस मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे हमारे 3 या 4 लॉ क्लियर हुए और ये हमारा मैकेनिकल के लिए था। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक 3 फेज आपको इंडक्शन मोटर गिवेन है। स्पीड आपको दी हुई है सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM, देन द मोटर स्पीड कैन नेवर इक्वल टू। तो इंडक्शन मोटर में जब आप देखते हैं कि उसकी रोटर की जो स्पीड होती है वो स्टेटर की स्पीड यानी सिंक्रोनस जो हमारी 3 फेज हमने जैसे ही इसको सप्लाई 3 फेज दी उसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है 120 F/P। लेकिन हमारा जो रोटर होता है उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं और रोटर तक वो उतनी जो पावर भेजते हैं हम इसे यहाँ से मैग्नेटिक फॉर्म में वो उतनी कुछ लॉस में चली जाती है जिसके कारण इसकी स्पीड जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं जा पाती है। यदि सिंक्रोनस स्पीड तक चली जाएगी तो हमारा रोटर में टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर रिलेशन है हमारा। तो रोटर की जो स्पीड होगी NR वो इससे कम ही होगी, तो NS से कम ही होगी NR की स्पीड। तो ये हमेशा 1500 RPM यदि यहाँ पर दी हुई है तो ये 1500 से कम ही होगी, इसकी स्पीड 1500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक DC कंपाउंड जनरेटर आपको गिवन है। दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और भी यदि आपके पास कोई पेपर है जिनको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको मेरी मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं अभी, 9415738@gmail.com। इस पर आप सेंड कर सकते हैं कोई भी पेपर जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों आप जारी रखिए। कोई भी पेपर हो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगी। आप कंसेप्ट अपने बनाते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है आप देख ही रहे हो दोस्तों, काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप लास्ट के 2-3 नंबर से किसी पेपर में रह जा रहे हैं, 2 या 3 आपके नंबर से आप बच रहे हैं किसी पेपर में, तो आपके चांस है कि आप किसी ना किसी पेपर में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन यदि ये गैप यदि आपका 10 से 15 20 तक भी जा रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखें तो एक ओवर कंपाउंडेड जनरेटर आपको दिया हुआ है और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना है, 220 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इफ द मशीन टर्मिनल वोल्टेज इज 220.2 वोल्ट व्हेन द लोड करंट इज 10 एम्पियर। यदि लोड करंट हमारा 10 एम्पियर हो गया है तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है टर्मिनल पर वो कितना मिल रहा है आपको, 220.2 वोल्ट। यहाँ से आपको एक चीज यहाँ पर समझनी होगी। सबसे पहले आपको कंपाउंड जनरेटर का एक डायग्राम मालूम होना चाहिए, और कंपाउंड जनरेटर को आप देखेंगे तो यहाँ ये हमने टर्मिनल वोल्टेज यदि हम भी लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर ये आपका ये करंट है, ये टर्मिनल वोल्टेज है आपका भी। तो इनकी जब वेवफॉर्म आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो वेबफॉर्म आप बना रहे हैं तो ओवर कंपाउंड के लिए वेबफॉर्म किस तरीके से होती है, ये इस तरीके से होती है। फ्लैट कंपाउंड के लिए जो वेबफॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। ये हमारी ओवर कंपाउंड के लिए, यानी ओवर कंपाउंड में क्या हो रहा है आपका कि जैसे आपने लोड करंट बढ़ाते जा रहे हैं, लोड करंट बढ़ाने से आपका जो वोल्टेज है वो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। फ्लैट कंपाउंड में देखेंगे तो लगभग सेम ही है। तो यहां पर ये फ्लैट कंपाउंड हो गया, और अंडर कंपाउंड में आप देखेंगे दोस्तों कि ये जैसे जैसे लोड आप बढ़ा रहे हैं, लोड इंक्रीज करने से आपका जो वोल्टेज है वो कम होता जा रहा है। यहाँ तीसरे हम पॉइंट की बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो उसके लिए इस तरीके से वेवफॉर्म होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ओवर कंपाउंड, तो हमें इस वेवफॉर्म को देखेंगे कि जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर उपयोग करना है अपने को। जैसे ही हमने लोड बढ़ाया, कुछ लोड दिया उसको 10 एम्पियर, तो हमारा वोल्टेज जो हो गया वो कितना होगा, 220.2 हो गया। 220.2 यानी 10 एम्पियर लोड देने पर हमारा वोल्टेज कितना बढ़ा, 0.2 वोल्ट।
आप देखिए ना यहाँ पर जो लोड टर्मिनल वोल्टेज दिया था वो 220 वोल्ट पर दिया हुआ था। तो आप मान लीजिए 10 एम्पियर पर 0.2 आया, तो हमने यदि ये लोड यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया, यदि हमने ये लोड बढ़ा दिया 600 एम्पियर लोड बढ़ाने के कारण आपका जो वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा, तो ये 12 वोल्ट यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर करंट बढ़ा रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ओवर कंपाउंडिंग के केस में। तो यहाँ पर हमारा 10 एम्पीयर के लिए 0.1 वोल्ट, तो हमारा 600 एम्पीयर के लिए कितना बढ़ जाएगा, ये 12 वोल्ट यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो हमारा नो लोड कितना था, 220 वोल्ट, और अब हमारा कितना 12 वोल्ट और बढ़ जाएगा, तो हमारा जो टोटल जो आंसर हो जाएगा वो 220 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट यहाँ पर आंसर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 230 वोल्ट, ये हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए अंडर कंपाउंड में भी बना सकते हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं, थोड़ा सा नया है। और अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़े, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बेस लोड प्लांट दोस्तों क्या होते हैं कि हमारे जब सिस्टम को देखेंगे आप, पावर प्लांट जो होते हैं हमारे, उनमें आपके जब लोड पैटर्न देखा जाता है, तो कई बार हमारा जो 24 घंटे के लिए लोड पैटर्न होता है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ता है कभी डाउन होता है। इस तरीके से हम एक वेवफॉर्म मान रहे थे, तो यहाँ पर 24 घंटे के लिए एक निश्चित लोड तो हमारा बना ही हुआ है। ये जो आपका लोड है ये कंटिन्यू 24 घंटे तो बना ही रहता है, बाकी जो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पीक आ रहा है ना, तो इसको हम पीक लोड बोलते हैं। तो हमारा क्विक स्टार्ट होना चाहिए और क्विक स्टॉप होना चाहिए, ऐसे पावर प्लांट को हम पीक लोड पावर प्लांट के में हम इसको जानते हैं। और जो 24 घंटे हमारा एक लोड चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं बेस लोड प्लांट। जो 24 घंटे हमारा लोड बना ही रहता है बेस लोड प्लांट के, हमारे यदि हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर कूल या थर्मल पावर प्लांट, इसके बाद हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो, और साथ में यदि हम पीक की बात करें पीक लोड प्लांट के लिए, तो पीक लोड में हमारे जो मोस्ट कॉमन है वो गैस और डीजल पावर प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मली हम उपयोग करते हैं। यहाँ डीजल और गैस नॉर्मली हमारे उपयोग होते हैं। यहाँ आपके ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट का ए है यानी बेस लोड प्लांट हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दूसरे का बी यानी पीक लोड पावर प्लांट डीजल और गैस हमारे दोनों। तो ये कुछ बेस और पीक, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट है, मैं कई पेपरों में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे पेपर दोस्तों मैं इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पेपरों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड रहते हैं एग्जामों में। आपका सेम पैटर्न तो आजकल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ा दिया है, जैसे पिछली बार UPBCL को ही देखे आप, वहां पर 2 वाट मीटर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, यदि आपकी थोड़ी सी भी कमांड होती है उस पर, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। तो आप पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है दोस्तों, और थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और ट्रुथ वैल्यू ऑफ फजी सेट, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, और वो इंक्लूसिव है। यहाँ पर ये आंसर इसका शायद गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा, इसका 0 और 1 के बीच में होती है इसकी ट्रूथ वैल्यू, ये मैथमेटिक्स में उपयोग होता है, ये हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, तो एक LCR सर्किट आपको दिया हुआ है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर सॉरी एफ आर आपको दी हुई है, ये आपको यहाँ पर गिवन है, क्वालिटी फैक्टर आपको दिया हुआ है, पर आपकी लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 16 सीरीज RLC सर्किट में बैंडविड्थ के लिए जो फॉर्मूले होते हैं और जो वेवफॉर्म होती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम करंट की बात करें सीरीज RLC सर्किट के केस में, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी एक्स एक्सिस पर हम इसको फ्रिक्वेंसी को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो इसके 1/√2 या 0.2
707 आई मैक्स जो दोनों तरफ रहता है, एक पॉइंट यहां रहेगा क्योंकि ये इसको हम पॉइंट 707 आई मैक्स की बात करते हैं, तो यहां पर जो इतने रीजन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम 3 dB बैंडविड्थ बोलते हैं, ये इसकी बैंडविड्थ हो जाती है। यहां पर जो इन दो पॉइंट 0.707 आई मैक्स के बीच में जो जितने भी फ्रीक्वेंसी होती है वो बैंडविड्थ होती है। अब इस बैंडविड्थ को यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जो बीच में जस्ट मैक्सिमम पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर, और ये जो हमारी हाई एक पॉइंट रहता है, एक लो वाला फ्रीक्वेंसी का रहता है, तो एक लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी एफ एल बोलते हैं इसे, और एक एफ एच रहता है, ये जो हमारा 0.707 आई मैक्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ एच बोलते हैं, ये बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ आर बोलते हैं, एफ एल है हमारे पास, एफ एच है और एफ आर है यहाँ पर। अब हम हमसे पूछा है हमारे क्वेश्चन में द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा यदि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है उसमें से हम यदि इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये हम इसमें से नेगेटिव कर दें तो हमारा एफ एल हमें मालूम चल जाएगा, एफ एल ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एफ एल को ही हम लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां से हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए क्यू फैक्टर के बीच में और आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बीच में, तो ये यहाँ पर रिलेशन होता है क्यू फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब यहाँ पर आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ आपकी 50 है, 2 किलोहर्ट्ज यहाँ पर आपकी ये यहाँ पर रेंज आ जाएगी, सॉरी बैंडविड्थ आपको निकालनी थी इसमें और आपका क्यू दिया हुआ था, तो एफ आर डिवाइडेड बाय क्यू किया हमने, तो यहाँ पर हमारी बैंडविड्थ आ गई आपकी कितनी आई 2 किलोहर्ट्ज, यानी ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक आपकी एफ एच और एफ एल के बीच की जो बैंडविड्थ है हमारी ये कितनी है 2 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पर हम इतनी रेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा आधा आधा पोर्शन लगभग एफ एल माइनस एफ आर और एफ एच माइनस एफ आर ये इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा ये 1 किलोहर्ट्ज इक्वल होगा क्योंकि टोटल जो दिया हुआ है ये इतना पोर्शन आपको कितना दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज, आपकी बैंडविड्थ कितनी निकल कर आई 2 किलोहर्ट्ज, तो हमारा जो आधा पोर्शन है ये कितना होगा 1 किलोहर्ट्ज। अब यहां से आपको दिखाई पड़ गया क्या एफ आर माइनस इतना पोर्शन जो आधा पोर्शन है उसको हमने माइनस किया तो हमारी एफ आर जो है वो कितनी है हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो है 100 किलोहर्ट्ज माइनस आपका जो आधा पोर्शन है ये इतना हमने रिड्यूस किया इसे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा एफ एल, तो ये एफ एल इक्वल टू एफ आर माइनस बैंडविड्थ का आधा बैंडविड्थ का हाफ, तो ये 100 माइनस आपकी बैंडविड्थ कितनी आई थी 2 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी 99 किलोहर्ट्ज, ये दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट इसमें हमें मालूम चले कि मैक्सिमम करंट का कितना होना चाहिए तो वो 0.707 होना चाहिए जो हमारी बैंडविड्थ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यदि आपसे एफ एच पूछा होता तो यहाँ पर ये कितना हो जाता एफ आर प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर प्लस होता एफ एल के लिए माइनस होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो एक आपको ट्रांसफार्मर दिया हुआ है 400 डिवाइडेड बाय 230 सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, तो ईएमएफ पर टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग और ईएमएफ पर टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग आपसे पूछा है, तो पर टर्न जो ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर में दोस्तों वो सेम ही होता है, कैसे होता है इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। हमारे नंबर ऑफ टर्न का जो रेशियो होता है वो आपने देखा होगा V1 बाय V2 होता है, ये V1 बाय V2 कितना है ये टोटल वोल्टेज है, मान लीजिए दो पूरी वाइंडिंग है यहाँ पर कोई वोल्टेज हमारा V1 था यहाँ पर जो वोल्टेज है ये V2 है, तो आप देख रहे होंगे V1 और V2 हमारा जो रेशियो दिया हुआ है ये पर टर्न वोल्टेज
पर टन वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ टन है एक तरीके से, नंबर ऑफ टन। तो इसको आप देखेंगे V1 को हम क्या लिख सकते हैं, पर टन वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ टन। तो नंबर ऑफ टन मान लीजिए N1 है हमारे, ऐसे ही हमने इसके लिए लिया, तो पर टन हमारा वोल्टेज V2 इंटू नंबर ऑफ टर्न इसमें है N2, तो ये N1 बाई N2। यहां देखेंगे N1 बाई N2 ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। पर टर्न जो वोल्टेज होता है दोनों तरफ उसका रेशियो कितना होता है, 1 ही होता है। ये आपका एक तरीके से हमने इसको चेक भी कर लिया। तो पर टर्न वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड पर टर्न वोल्टेज इन द सेकेंडरी विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इनवर्स स्क्वायर लॉ आपसे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो थोड़ा सा आपके इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम करते हैं तो इस तरीके से जब जो हमारा यदि दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारा जो इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, यहां से हम इसको पार्शियल फॉर्मेट चेंज करेंगे, इसको हम तोड़ लेते हैं। और इसको तोड़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहां मान लीजिए एस के लिए आप लिख रहे हैं, यहां पर तीन उसको हम पार्ट में तोड़ेंगे। और जब हम एस के लिए देखेंगे तो एस इक्वल टू यहां पर हम जीरो लेके चलेंगे, एस इक्वल टू जीरो हम इस पूरे में पुट करेंगे तो 2 / s यहां पर जीरो रखेंगे तो ये बनी बचेगा, और यहां पर s इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 2 ही बचेगा। तो 2 / 2 तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/s। यहां पर आप s प्लस 1 के लिए हम लिखना चाह रहे हैं तो s प्लस 1 के लिए s इक्वल टू -1 हम इस बची हुई इक्वेशन में यहां पर s माइनस 1 रख देंगे। तो s माइनस 1 रखेंगे आप तो यहां s इक्वल टू -1 रखा तो यहां पर कितना आ गया, 1 ही बचा, तो यहां पर -1 बचा तो कितना आ जाएगा आपका, -2/s+1। ऐसे ही आप s प्लस 2 के लिए लिखिए, तो जब s प्लस 2 के लिए लिखेंगे तो s इक्वल टू -2 पुट कीजिए, s इक्वल टू -2 पुट किया यहां पर हमने तो -1 बचा यहां पर और यहां पर -2 बचा तो ये कितना आपका निकल कर आया, 1 ही बचेगा, 1/s+2। इस फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर लिया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद अब आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, 1/s का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ut होता है, और 1/s+1 का जो होता है, 2 को हमने 2 ही लिख दिया यहाँ पर, और 1/s का जो रहता है उसको हम लिखते हैं e-t ut। प्लस इसके लिए 1/s+2 के लिए क्या होता है, ये होता हमारा e-2t ut। यहां से आपने 1 - 2 e-t, इसको हम ut को बाहर लेने की कोशिश करेंगे इसमें, प्लस ये हमारा e-2t, यहां हमने ut इसको बाहर ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 - 2 e-t प्लस यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से ये आप देखेंगे e-t का स्क्वायर है इनटू ut, इसको आपने सॉल्व किया तो ये किस फॉर्मेट पे आ जाएगा, 1 - e-t का एक तरीके से स्क्वायर है इनटू ut। तो यही आपका यहां पर आंसर था, और आपका जो सही आंसर है यहां से निकल कर कितना आएगा, 1 - e-t का स्क्वायर इनटू ut। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन था इसमें भी, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा था। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि तोड़ना तो इजी है पर तोड़ने के बाद आपको ये फॉर्मूले भी मालूम होना चाहिए कि 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/1+s का क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिला है। आप डिप्लोमा लेवल के भी पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको सिग्नल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो इफ द नंबर ऑफ पोल इन अ लैप बाउंड जनरेटर इज क्वाड्रिपल देन द जनरेटर EMF विल बी। यहां पर आपको
जनरेटर का जो वोल्टेज है उसके बारे में पूछा गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है फाइव जेड एन डिवाइडेड बाई 60 ए। ए नंबर ऑफ यहाँ पर पैरेलल बात होती है और लैप बाउंड जनरेटर की यदि हम बात करें जितने नंबर ऑफ पोल रहते हैं उतने ही पैरेलल बात यहाँ पर होते हैं। लैप बाउंड जनरेटर मान लीजिए यहाँ पर फोर पोल है या नंबर ऑफ पैरेलल बात कितने होंगे वो भी फोर ही होंगे। तो एक और जो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमारा पी और ए इक्वल हो जाते हैं, हमारी जो वोल्टेज इक्वेशन है यानी नंबर ऑफ पोल और पैरेलल पाथ जितने हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो इक्वेशन निकल कर आ जाती है फाइव जेड एन डिवाइडेड बाई 60। यानी ये डिपेंडेंट ही नहीं है पोल पर हमारी, क्योंकि लैप बाउंड जनरेटर में पैरेलल पाथ और लैप पोल इक्वल होते हैं, इसलिए हमारी जो इक्वेशन है वो रिमेन सेम होगी। एक और जो क्वेश्चन नॉर्मली इनमें पूछा जाता है लैप बाउंड में, और एक और जो हमारी बाइंडिंग होती है वो वेव बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में क्या रिलेशन, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वेव बाइंडिंग जो होती है हमारी वो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है और लो करंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहते हैं दोस्तों, ये इसमें दो ही पैरेलल पाथ होते हैं वेव बाइंडिंग में, और लैप बाइंडिंग में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होने के कारण हम इससे करंट ज्यादा ले सकते हैं, तो हमारा जो लैप बाइंडिंग होती है वो हाई करंट के लिए इस्तेमाल होती है, हाई करंट के लिए। और वेव बाइंडिंग जो इस्तेमाल होती है हमारी इसके पोल से इसके जो कंडक्टर हैं आप देख रहे होंगे इसमें दो ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए इसमें ये कम करंट के लिए होती है, करंट कम होता है, पर इसमें ये हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो ज्यादातर जहां भी हाई वोल्टेज अवेलेबल होता है वहां पर हम वेव बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, और लैप बाइंडिंग हमारी हाई करंट कैपेसिटी और लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें वोल्टेज लो होता है और करंट हमारा काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और भी कोई आपके पास पेपर है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी आपको बता दी है, एक बार फिर आपको मेल आईडी में नोट करा देता हूँ, अभी 9415730@gmail.com इस पर आप वो पेपर सेंड कर सकते हैं, और कमेंट आप जरूर कीजिए कोई भी यदि क्वेश्चन में डाउट है आपको, और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।